नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। नीतीश कुमार की छवि पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है और वे अपने पलटने के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और फिर भी सभी दल उनको अपने साथ लाना चाहते हैं, उनको गले लगाना चाहते हैं। 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद भी सीएम नीतीश एक बार फिर से नीतीश सबके है के चरितार्थ को लागू कर रहे हैं और एक बार फिर से सीएम नीतीश जो है किंग मेकर के रूप में उभर रहे हैं। जहां केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने में चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ सीएम नीतीश की भी अहम भूमिका होगी, जिसके वजह से एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के पलट जाने के कयास लगाए जा रहे हैं और सीएम नीतीश के पलटे मारने की चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें कि कुछ महीने पहले जब सीएम नीतीश महागठबंधन में शामिल थे, तब बीजेपी के नेताओं के द्वारा उनकी पार्टी के राजद में विलय होने के कयास लगाए जा रहे थे। सीएम नीतीश तब अपने बयानों को लेकर भी देश भर में आलोचना के शिकार हो गए थे। वहीं जनवरी 2024 में सीएम ने महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया, जिसके बाद से राजद की तरफ से भी सीएम नीतीश की पार्टी यानी कि जदयू को लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए। कुछ दिनों से तो ऐसा माना ही जाने लगा कि सीएम नीतीश की जो प्रासंगिकता है वो लगभग खत्म हो चुकी है और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद सीएम नीतीश की पार्टी जदयू का कोई खास मोल बिहार की राजनीति में तो नहीं रहेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम नीतीश फिर से किंग मेकर बनकर उभर गए हैं और किंग मेकर बनने से पहले सीएम नीतीश को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। दरअसल पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बातें हुई है, जैसे कि उनका और उनकी पार्टी का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, जमीन पर उनका और उनकी पार्टी का कोई कैडर नहीं है और वह संयोगवश केवल पलटी मार मार के मुख्यमंत्री बने हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी के कंधे पर बैठकर ही बड़ा बन सकते हैं, उनका खुद का कोई कद नहीं है। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन के लिए पहल करने वाले नीतीश कुमार ही थे, उसके बाद से लालू यादव के साथ भाईचारा निभाने वाले भी नीतीश कुमार अचानक से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पाला बदलकर एनडीए में मिल गए, जिसकी वजह से पूरे देश में उनकी काफी किरकिरी हुई और नीतीश कुमार पूरे देश के लिए मजाक का पात्र बन चुके थे। इसके साथ साथ पूरे देश में बिहार को लेकर भी ऐसा परसेप्शन बन गया, ऐसा माहौल बन गया था कि इस राज्य का भला हो ही नहीं सकता। वो नीतीश कुमार जो इस बात का हमेशा श्रेय लेते थे कि उनके कारण ही बिहार से जंगल राज हटा है, उसमें बदलाव हुआ है, पूरे देश में बिहारियों को जो गाली पड़ती थी उसमें सुधार हुआ है और बिहार सुशासन के पथ पर आगे बढ़ा है, वही नीतीश कुमार जो देश के लिए पीएम मटेरियल चल रहे थे, अचानक से उनके बारे में कई सारी बातें होने लगी कि उनकी पार्टी का चुनाव के बाद भाजपा या राजद में विलय हो जाएगा। एक तरह से नीतीश और उनकी पार्टी जदयू के अस्तित्व पर कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान पटना में चल रहे प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान नीतीश कुमार ने हाथ में कमल लिया था और वह तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसमें कि नीतीश का कद काफी छोटा लग रहा था और चेहरे की चमक भी पूरी तरह से गायब थी। किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए यह तस्वीर काफी थी। एक समय पीएम पद के दावेदार चल रहे नीतीश कुमार पटना में चल रहे रोड शो के दौरान पीएम मोदी के सामने काफी छोटे दिखाई पड़ रहे थे। वहीं आज चुनाव के नतीजे जब आ गए हैं तो सबसे ज्यादा कोई प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, तो वह नीतीश कुमार हैं और फिर से नीतीश कुमार पर सबकी नजरें टिकी है। चुनावी परिणामों को देखें तो भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और एनडीए के साथ दो सबसे बड़े दल नीतीश की जदयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है। यह दोनों दल पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और फिलहाल एनडीए में शामिल हैं। अभी की जो स्थिति है इसमें इनकी उपस्थिति सरकार बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में नीतीश कुमार फिर से एक बार किंग मेकर बनकर उभरे हैं और इनकी मांग पूरी करना एनडीए हो या फिर इंडिया, दोनों अलायंस के लिए मजबूरी है। नीतीश कुमार फिर से जो चाहे इन दोनों अलायंस से मनवा सकते हैं और सबसे छोटा दल होने के बावजूद जैसे वो बिहार में इतने सालों से पाला बदल बदल कर मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, आगे भी वो महत्वपूर्ण पद पर बैठ सकते हैं। ऐसे में एक समय में मजाक के पात्र बने सीएम नीतीश अब किंग मेकर के रूप में उभर गए हैं और सीएम नीतीश ने यह साबित कर दिया है कि वे केवल सबके नहीं हैं, वे सबके लिए जरूरी भी हैं। सीएम जिधर जाएंगे उधर ही जीत पक्की होगी। सीएम ने अपनी लोकप्रियता को एक बार फिर से कायम कर लिया है। तो आप नीतीश कुमार की छवि को कैसे देखते हैं और नीतीश कुमार की प्रासंगिकता जो एक बार फिर से पूरे देश में बढ़ गई है, उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।
है।